अगर पिछले 5 साल के लकीएस्ट लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो शेखर जी और सिद्धू जी दोनों फर्स्ट आएंगे। शेखर जी इसलिए लकी हैं, पिछले 4.5 साल से स्टार टीवी से बोलने के पैसे ले रहे थे, पिछले 6 महीने से इस प्रोग्राम में चुप रहने के पैसे ले रहे थे। और सिद्धू जी एमपी हैं, सिद्धू जी पार्लियामेंट में हंसाने के पैसे मिलते हैं, यहाँ हंसने के। एक बार मैं यमराज जी के पास गया, यमराज जी बैठे थे थोड़ा सर झुकाए हुए, मैंने कहा यमराज जी ये क्या कहानी है, पूरी दुनिया के मालिक की आंखों में भी पानी है। वो बोले बेटा बात ही ऐसी है, वो कहते हैं कल मेरे घर के आगे सभी नरकियों ने धरना लगाया है, नरकी जैसे स्वर्गीय होते हैं तो नरकीय भी होते हैं, कल मेरे घर के आगे सभी नरकियों ने धरना लगाया और आज सुबह मेरा पुतला भी जलाया। और वो नारे लगा रहे हैं कि यमराज जी होश में आए, नरकों की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, न सड़कें नहीं बनवाए। मैंने कहा यमराज जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ आपके हाथ है, सभी सड़कें नहीं बना दो। वो बोले बेटा इसी बात का तो मलाल है, पिछले 3 महीने पहले मैंने सड़कें नरकों की बनवाई थी, 3 महीनों में सड़कों का इतना बुरा हाल है, मैंने मेरी जिंदगी का सबसे गलत काम किया जो नरकों की सड़कों के ठेकेदार का ठेका इंडियन ठेकेदार को दिया। इस घोटाले की जांच के लिए मैंने कमीशन बिठाया है और जांच के बाद पता चला उसने अपने लिए उसी मटेरियल से नरकों की बीच पर बंगला बनवाया। आजकल खबरें कम हैं, खबरों के चैनल ज्यादा हैं, इसलिए उनको खबरें बनानी पड़ती हैं। पहले तो सिर्फ नेताओं पर इल्जाम लगता था कि वो गुंडों को पालते हैं, लेकिन अब हर खबरों के चैनल ने 1-2 गुंडे पाल रखे हैं जो रात को 10 बजे बाहर निकलते हैं। सनसनी, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गाजियाबाद में एक पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीकर बेडरूम में जाकर वहां सोकर सुबह उठकर किचन में गया और उसने सबसे बड़ा चाकू उठाया और धीरे धीरे प्याज काटने लगा। जी हाँ, वो दरिंदा प्याज काट रहा था और 2 अंडों का उसने आमलेट बनाया। आमलेट खाने के लिए जैसे ही अपने अपना हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया और उसको याद आया, ओ माय गॉड यार ब्रश तो खे नहीं। थैंक यू वेरी मच।